साल 2024 का 7 महीना बीत चुका है और अब जो 5 महीना बाकी है इसमें ताबड़तोड़ फिल्में आने वाली है जो बॉक्स ऑफिस के हर एक रिकॉर्ड तोड़ने का दम भी रखता है। सो लेजेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा अगस्त से लेकर दिसंबर के मंथ में आने वाले टोटल 20 बड़ी फिल्मों के बारे में। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। एंड गाइस, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 में आता है स्त्री 2, जो अगस्त के मंथ में आने वाली सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है, जो बेसिकली हिंदी लैंग्वेज की आने वाली एक कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली, जिसका डायरेक्टर है अमर कौशिक एंड इस मूवी को प्रोड्यूस किया है दिनेश बिजान ने, जो 15 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। नंबर 2 में आता है खेल खेल में। सरफिरा के बाद अक्षय कुमार की एक और रीमेक मूवी होने वाली है खेल खेल, जो बेसिकली परफेक्ट स्ट्रेंजर्स का रीमेक है हिंदी लैंग्वेज की खेल खेल में, जिसको डायरेक्शन दिया है मुदस्सर अजीज ने। अब देखते हैं बॉक्स ऑफिस पर कैसा कमाल करती है, जो 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है। नंबर 3 में आता है भेदा। भेदा 15 अगस्त को आने वाली जॉन अब्राहम की मच अवेटेड मूवी है एंड मूवी को अप्रूवल ना मिलने के कारण से मूवी को थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ा। सो अब ये दिक्कत हट चुका है, जो 15 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है, जिसके अंदर जॉन अब्राहम, सरबरी एंड तमन्ना भाटिया लीड रोल में है। और 15 अगस्त को स्त्री 2, खेल खेल में, थंगलान जैसे और भी फिल्मों के साथ क्लैश करने वाली है। नंबर 4 में आता है थंगलान। 15 अगस्त के इस बड़े मौके में थंगलान भी रिलीज के लिए तैयार है, जो साउथ इंडस्ट्री की आने वाली एक एक्शन एडवेंचर रियल इंसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड मूवी है, जो KGF की कहानी को प्रेजेंट करती है एंड इस मूवी को डायरेक्शन दिया है पा रंजीत ने, जिसको पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा और ये भी 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है। नंबर 5 में आता है डबल स्मार्ट शंकर। डबल स्मार्ट शंकर साउथ इंडस्ट्री की आने वाली एक साइंस फिक्शन एक्शन ड्रामा मूवी होने वाली, जिसको लिखा है और डायरेक्शन दिया है पूरी जगन्नाथ ने, जिसके अंदर राम पोथनियानी एंड संजय दत्त लीड रोल में है, जो बेसिकली सुपरहिट मूवी स्मार्ट शंकर का सीक्वल है और ये मूवी मल्टीपल लैंग्वेजेस के साथ रिलीज होने वाली है 15 अगस्त को। नंबर 6 में आता है दी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। सितंबर के स्टार्टिंग में ही साउथ के सबसे बड़े कलाकार थलापति विजय की एक मूवी आने वाली है, जिसका नाम है दी गोल, जो इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की साइंस फिक्शन एक्शन ड्रामा मूवी है, जहां पर फिल्म को डायरेक्शन दिया है ब्रंकट प्रभु ने एंड प्रोड्यूस बाय AGS इंटरटेन, जो थलापति विजय की पैन इंडियन मूवी है एंड मूवी के अंदर थलापति विजय डबल रोल में है, जो 5 सितंबर को पैन इंडियन लेवल में रिलीज होने वाली है। नंबर 7 में आता है लकी भास्कर, जो साउथ के सलमान यानी कि दुलकर सलमान की आने वाली मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी है, जिसका डायरेक्टर है भिंकी अतलूरी, जो बेसिकली एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है एंड ये मूवी 27 सितंबर को रिलीज होने वाली है। नंबर 8 में आता है देवारा। देवारा फिल्म साउथ इंडस्ट्री की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी के लिस्ट में शामिल है, जो जूनियर NTR एंड कोरटला सिबा की सेकंड कोलैबोरेशन है एंड देवारा एक पैन इंडियन बड़े स्केल के साथ बनने वाली मूवी है, जिसका बजट है अप्रोक्स 300 करोड़, स्टेयरिंग जानवी कपूर, जूनियर NTR एंड सैफ अली खान। इसके अलावा बॉबी देओल का भी नाम आ रहा है नेगेटिव किरदार। सो बात करते हैं रिलीज की, तो इस मूवी को 27 सितंबर को रिलीज किया जाएगा। नंबर 9 में आता है ओज, जो देवारा के साथ 27 सितंबर को ही क्लैश करने वाली एंड ये फिल्म भी अपनी जगह बेस्ट है, क्योंकि ये पवन कल्याण की आने वाली मच अवेटेड मूवी है, जिसका स्टोरी गैंगस्टर के अराउंड होने वाली है और ये डायरेक्शन दिया है सुजीत ने, जिससे एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है एंड फिल्म के लिए ऑडियंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और अपडेट के अकॉर्डिंग फिल्म के अंदर प्रभास का भी कैमियो अपीयरेंस हो सकता है, जो 27 सितंबर को रिलीज होने वाली है। नंबर 10 में आता है स्काईफॉल। एक बड़े सुपरस्टार की जब हर महीने एक मूवी आती है तो उनकी अपकमिंग फिल्मों का हाइप बिल्डअप करना बहुत ही मुश्किल है। जुलाई में सरफिरा, अगस्त में खेल खेल में, सितंबर को छोड़कर अक्टूबर के मंथ में आने वाली है स्काईफॉल, जो बेसिकली अक्षय कुमार की एंड हिंदी लैंग्वेज की आने वाली एक एरियल एक्शन मूवी है। तो देखते हैं ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा कमाल करती है, जो 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। नंबर 11 में आता है कंगुवा, जो एक अपकमिंग इंडियन तमिल लैंग्वेज की फैंटेसी एक्शन ड्रामा मूवी है एंड इस मूवी का हाइप काफी ज्यादा है, जिसके लिए ऑडियंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसका डायरेक्टर है सिबा एंड ये एक पैन इंडियन मूवी, स्टारिंग सूर्या, दिशा पटानी एंड बॉबी देओल, प्रोड्यूस्ड बाय स्टूडियो ग्रीन एंड UB क्रेज, जो 10 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है।
नंबर 12 में आता है भेटिया, रजनीकांत की अगली मूवी जेल रेड, जिसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन की। और अब बार ये है भेटियन की, जो रजनीकांत सर की आने वाली मच अवेटेड मूवी है, जिसका डायरेक्टर है टीजी जेनार्दन। स्टारिंग रजनीकांत सर, अमिताभ बच्चन जी, फहद फासिल एंड राणा दग्गुबाती जैसे बड़े कलाकार। और ये मूवी कंगुआ के साथ 10 अक्टूबर को क्लैश करने वाली है। नंबर 13 में आता है मार्टी। 10 अक्टूबर के बाद 11 अक्टूबर को कनाडा इंडस्ट्री से एक बड़ी एक्शन पैक्ड फिल्म आने वाली, जो अर्जुन सरजा की मोस्ट अवेटेड मूवी है। और मार्टिन मूवी साउथ की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्मों के लिस्ट में शामिल है, जिसका डायरेक्टर है एपी अर्जुन एंड ये मूवी 11 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। नंबर 14 में आता है जिगरा। बॉलीवुड के एक बड़े प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन के अंडर बनने वाली मूवी है जिगरा, जो बेसिकली एक हिंदी लैंग्वेज की फीमेल लीड मूवी है, जिसका डायरेक्टर है बसंत बाला, जो पहले 27 सितंबर को आने वाला था, लेकिन पोस्टपोन के बाद अब ये मूवी 11 अक्टूबर को आने वाली है। नंबर 15 में आता है अमरन। अमरन साउथ के कलाकार शिवा कार्तिकेया की आने वाली एक बायोग्राफिकल मूवी है, जिसके अंदर शिवा कार्तिकेया लेट मेजर मुकुंद भट्टराजन के किरदार में है, जिन्होंने 2014 के एक ऑपरेशन के दौरान अपनी जान गंवा दी। सो अमरन मूवी का डायरेक्टर है राजकुमार परेशान। स्टारिंग शिवा कार्तिकेया, राहुल बोस एंड साई पल्लव, जो पहले 27 सितंबर को रिलीज होने वाला था, लेकिन पोस्टपोन के बाद अब ये मूवी 31 अक्टूबर 2024 हो चुका है। नंबर 16 में आता है सिंघम अगेन। सिंघम अगेन रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स की सबसे बड़ी मूवी है, एंड ये हिंदी लैंग्वेज की आने वाली मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी है, जिसके लिए ऑडियंस बड़ी बेसब्री से और काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। और अब ये इंतजार जल्दी ही खत्म होने वाली है, क्योंकि सिंघम अगेन 1 नवंबर को बड़े स्केल के साथ सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। नंबर 17 में आता है भूल भुलैया 3। भूल भुलैया का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, जिसने ऑडियंस को काफी ज्यादा इम्प्रेस किया, और अब बारी है तीसरे पार्ट की, जिसके अंदर कार्तिक आर्यन लीड रोल में है। और अपडेट के अकॉर्डिंग तीसरे पार्ट के अंदर अक्षय कुमार का भी कैमियो अपीयरेंस हो सकता है। इसके अलावा तृप्ति ढिमरी एंड पहले पार्ट के अंदर चंद्रमुखी का किरदार प्ले करने वाली विद्या बालन लीड रोल में है, जो 12 नवंबर को सिनेमाघर में रिलीज होने वाली है। नंबर 18 में आता है रेड 2। रियल इंसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड मूवी रेड, जिसने ऑडियंस को काफी ज्यादा इम्प्रेस किया था। और अब बारी है सेकंड पार्ट की, जो हिंदी लैंग्वेज की आने वाली एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसको अपनी बेहतरीन डायरेक्शन दिया है राजकुमार गुप्ता ने। स्टेयरिंग अजय देवगन, रवि तेजा, रितेश देशमुख एंड भानी कपूर, जो भूल भुलैया 3 के 3 दिन बाद 15 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। नंबर 19 में आता है पुष्पा 2। पुष्पा 2 साल 2024 की सबसे बड़ी मूवी है, और इस मूवी का हाइप और क्रेज काफी ज्यादा है, जिसके लिए ऑडियंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और पुष्पा 2 पहले 15 अगस्त को रिलीज होने वाला था, लेकिन अभी पोस्टपोन हो चुका है। और समय के साथ साथ इस मूवी का हाइप और क्रेज और भी ज्यादा बिल्डअप होता जा रहा है, जो आने वाले समय पे बॉक्स ऑफिस के हर एक रिकॉर्ड तोड़ने का भी दम रखता है, जिसका बजट है अप्रोक्स 600 करोड़। एंड पोस्टपोन के बाद अब ये मूवी 6 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। नंबर 20 में आता है बेबी जॉन। साउथ और बॉलीवुड की कोलैब का एक परफेक्ट एग्जांपल सेट करती है बेबी जॉन फिल्म। और जब भी साउथ के डायरेक्टर एक बॉलीवुड के एक्टर को डायरेक्शन देते हैं, तब एक बवाल चीज निकल के आता है, जैसे शाहरुख खान की जवान, रणबीर कपूर की एनिमल एंड अक्षय कुमार की रोबोट 2.0। अब वरुण धवन के साथ एटली कुमार का फर्स्ट कोलैबोरेशन देखने को मिलने वाला, और वरुण धवन की बेबी जॉन मूवी को एटली कुमार ही प्रेजेंट कर रहे, जिसका डायरेक्टर है कली। एंड अपडेट के अकॉर्डिंग सलमान खान का कैमियो अपीयरेंस भी हो सकता है इस मूवी के अंदर, जो पहले 31 अगस्त को आने वाला था, लेकिन पोस्टपोन के बाद अब ये मूवी 25 दिसंबर 2024 को शिफ्ट हो चुका है। तो यही था अगस्त से लेकर दिसंबर के मंथ में आने वाले टोटल 20 बड़ी फिल्म। इनमें से कौन से मूवी के लिए आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताओ। तो आज के लिए इतना ही, चलिए वीडियो को खत्म करते हैं।